स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का टाइम्स ऑफ नॉलेज चैनल में। ये रहा हमारा आज का थर्ड रिव्यू। वैसे इन दोनों के रिव्यू साइड में जो बुक्स दिख रही हैं, दोनों के रिव्यू मैं कर चुका हूँ। आप इन दोनों के रिव्यूज़ भी ज़रूर देख लीजिए और बहुत सारी बुक्स के रिव्यू किए हैं, सब देख लीजिएगा। सभी बुक्स के मैंने सारी चीज़ें बताई हैं कि क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, डिसएडवांटेज और एडवांटेज दोनों चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा आपके सामने। अब फाइनली RPSC 2018 3500 MCQs की बुक है और ये सब बुक्स आप ही कहते हैं कि आपको ये बुक्स परचेस करनी है, तो उसके पहले मैं रिव्यूज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, ताकि आप परचेस करने से पहले अच्छे से सारी चीज़ें देख लीजिए क्या चीज़ किस में अच्छी है, क्या चीज़ किस में गलत है। एंड फाइनल रिकमेंडेशन वाला वीडियो में अब जैसा बता चुका हूँ कि हम लोग जो प्रेफर करवाएंगे आपसे या रिकमेंडेड कर देंगे आपको कि SSC स्टेट ए की आप बुक प्रेफर करें ये अली, तो वो अलग से वीडियो बनेगा बेस्ट बुक्स का, जो हम ओवरऑल बुक्स जितनी भी आपको रिव्यू की उनमें से बेस्ट सिलेक्टेड आपके सामने रखेंगे, जो हम रिकमेंडेड करेंगे जो ओवरऑल आपका सिलेबस कंप्लीट कर दे। क्योंकि हर एक सिर्फ एक बुक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाती, क्योंकि 100% परफेक्ट कोई भी बुक नहीं है। मैं बार बार ये चीज़ चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूँ कि सिर्फ एक बुक से आपका काम नहीं होने वाला है, हर बुक में कुछ ना कुछ कमियाँ ज़रूर होती हैं। ठीक है, आपके सामने है मेड इजी की 3500 MCQs की बुक है, RPSC के लिए बनाई गई है, असिस्टेंट इंजीनियर की। सिर्फ RPSC नहीं, ये दूसरी एग्जाम्स के लिए भी हैं, यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर के लेवल के क्वेश्चंस हैं, यानी कि मीडियम लेवल के क्वेश्चंस हैं, यानी कि SSC JEE की बात करें तो एडवांस लेवल के क्वेश्चन है जो आपको आजकल देखने को मिलते हैं। मतलब एडवांस क्वेश्चंस आपको देखने हैं तो आपको ये बुक, और इस बुक में तो मैं आपको बता चुका हूँ साइड में जो रखी है ओवरऑल UPSC गेट तक के क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इनमें तो ऑब्वियसली एडवांस क्वेश्चन होंगे। बट स्टेट AE की और JEE की बात करूँ तो JEE में भी एक फ़ायदेमंद हो सकती है बुक, क्योंकि इसमें एडवांस क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं, सारे स्टार्टिंग कंटेंट से देखेंगे, फिर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, एरर्स और प्राइसिंग, सारी चीज़ें इसकी हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मेड इजी की बुक है आपके सामने, ये दिख रही है, ठीक है। कंटेंट सिलेबस यहाँ पे SSC JEE का दे रखा है इन्होंने स्टार्टिंग में, कंटेंट देख लेते हैं। कंटेंट की बात करते हैं तो कंटेंट सुन लीजिए, इंजीनियरिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी दे रखा है, सर्विंग जियोटेक, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चर एनालिसिस, स्टील, RCC, फ्लूड हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, इन्वायरमेंटल, हाईवे एंड ब्रिजेस, RPSC असिस्टेंट इंजीनियरिंग प्रीमियरली एग्जाम क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या नहीं दे रखा है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए इंजीनियरिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन BMC दे रखा है, यहाँ पर आपको एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग नहीं मिलेगा, साथ में CPM नहीं मिलेगा, दो चीज़ यहाँ पर आपके सामने नहीं है, बाकी सबके एडवांस क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल सकते हैं, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। चलिए तो हम देख लेते हैं पर्सनली इस बुक को इंडिविजुअली। हाईवे एंड ब्रिजेस दे रखा है, रेलवे यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर डॉक्स एंड हार्बर्स नहीं है, वाटर रिसोर्स नहीं दे रखा है, और साथ ही में और चीज़ें नहीं है, हाँ अलग से अप्लाइड मैकेनिक्स वगैरह नहीं है, क्योंकि RPSC में सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इसको रखा गया है। SSC JEE में भी ये कवर हो जाएंगे, एस्टिमेशन नहीं है बट वो एक्स्ट्रा होता है, काफ़ी बुक्स में एस्टिमेशन नहीं मिलता और CPM नहीं मिलता है, CPM SSC JEE में नहीं है, एंड ऐसे ही सारी चीज़ें हर जगह नहीं है। डॉक्स एंड हार्बर्स हर एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, वाटर रिसोर्स में से भी कुछ पार्ट हर एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, तो वो सब चीज़ें अलग अलग हैं। तो ऐसा नहीं है कि ज़्यादा चीज़ें मैंने रीड कर दी जो नहीं है, तो ये बुक में ज़्यादा कमी ऐसा नहीं है। ओवरऑल आपका 90% सिलेबस जो JEE और AE के एग्जाम्स के लिए में कवर होता है वो सारे दे रखा है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स मेजरली सारे हैं, एस्टिमेशन और होना चाहिए था जो कि नहीं। देखिए यूनिट वन हम देख लेते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको, अब सीधा सीधा आपको बात बता दूँ, क्वेश्चन दे रखे हैं तो आप सोच रहे हैं आंसर की, जी हाँ दोस्तों आंसर की भी है, आंसर सॉल्यूशन भी है। आंसर सॉल्यूशन, तो आंसर सॉल्यूशन 100% नहीं है, यानी कि पूरा क्वेश्चन का नहीं है, जहाँ पर उनको लगता है कि ये क्वेश्चन हार्ड है, ज़्यादा लेवल है, इंक्रीज हो रहा है उसका लेवल, तो वहाँ पर आपको आंसर देना चाहिए, तो इसलिए उसी जगह उन्होंने आंसर दे रखे हैं, यानी कि 80% क्वेश्चन के आंसर दे रखे हैं, 20% जो ज़्यादा इजी क्वेश्चंस होंगे उसमें नहीं दे रखे हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन में आप फंस सकते हैं कि आपको आंसर चाहिए बट आपको नहीं मिलेगा, बट आंसर की मिलेगी। ठीक है, एरर्स की बात करूँ तो एरर्स इसमें एरर्स नहीं कह सकते हैं, इसमें एक प्रॉब्लम है जो कि आपको काफ़ी जगह बीच में देखने को मिलेगी और प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है, वो बताता हूँ। एडवांस क्वेश्चन तो ऑब्वियसली इसमें है, अब वो एरर मैं पहले बता दूँ तो हो सकता है आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए उस चीज़ को, क्योंकि अगर आप इस बुक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस बुक से तो आपको कहीं ना कहीं अटके होंगे उस चीज़ में, तो मैं वो चीज़ आपको सॉल्यूशन उसका मिल सकता है। तो मैं बताऊँ इसमें कई जगह क्या करा गया है, जैसे कि दो क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल देता हूँ, जस्ट लाइक आप सीमेंट मटेरियल, सीमेंट के बॉक कंपाउंड्स में जो पहला C3SS ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, वो क्या करता है, वो देता है आपको अर्ली स्ट्रेंथ, यानी कि स्टार्टिंग की जो अर्ली स्ट्रेंथ और हार्डनिंग होती है वो C3S से मिलती है।
C2S यानी कि डाइकैल्शियम सिलिकेट, वो क्या करता है, वो आपको अल्टीमेट स्ट्रेंथ देता है, जो यानी कि लास्ट की अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो टाइम के बाद आपको मिलती है वो मिलता है C2S से। तो ये आपको दो चीज़ पता है वॉक कंपाउंड की। अब एक क्वेश्चन एग्जांपल बताता हूँ जो इसमें मिस्टेक्स आपको देखने को मिलेगी, वो ये है कि आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि आपको अर्ली स्ट्रेंथ किस कंपाउंड से मिलती है, तो आपको ऑप्शन में आंसर सही करा गया है C3S, करेक्ट है। एक और जगह एक क्वेश्चन मिलेगा, वहां पर लिखा गया है आपको अर्ली स्ट्रेंथ कहाँ से मिलती है, वहां दिया गया है आंसर C2S। अब देखिए आपने अगर बुक में थ्योरीज पढ़ी होंगी आपको पता होगा तो आप उसको इजीली सही कर देंगे, क्यों, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन में मिस्टेक है, वहां पे अल्टीमेट स्ट्रेंथ पूछा गया इसलिए उसका आंसर C2S दिया है, क्योंकि एक जैसे दो क्वेश्चन नहीं दिए उन्होंने, क्वेश्चन में मिस्टेक आ गई है। तो वो ये है कि आपको अर्ली स्ट्रेंथ पूछा गया था वहां पर, तो आपको C3S दे दिया, बट वहाँ अल्टीमेट पूछा था, बट वहाँ क्वेश्चन में अर्ली लिख रखा है, पर ऑप्शन में आंसर जो दिया आंसर की में वो अल्टीमेट के अकॉर्डिंग दिया है C2S को। तो वो चीज़ टाइप के क्वेश्चन आपको काफ़ी जगह मिलेंगे, काफ़ी कह रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कोई दो या तीन मिस्टेक्स भी मिल जाए तो वो काफ़ी ही होती है, क्योंकि आपका पूरा कंसेप्ट हिला देती है। तो आपको ये कुछ टाइप के इस टाइप के एरर्स मिलेंगे, एंड बाकी इसमें कुछ ऐसे ज़्यादा एरर्स नहीं है। और रही बात क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन अच्छा एडवांस लेवल के हैं, एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा क्वेश्चन हैं, अलग क्वेश्चन हैं जो आपको बेसिकली कहीं देखने को कम मिलते हैं। एंड ये चीज़ मैंने आपको बता दी, आपको जो टिप में चीज़ मेरे को बतानी थी जो इसमें आपको मिस्टेक्स आपको दिखती हैं, अदरवाइज इसमें क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं। अब आंसर इंटरनल देख लेते हैं, तो क्वेश्चन देखिए बिल्डिंग मटेरियल का आप मानेंगे तो आपको यहाँ पर लगभग 380 क्वेश्चंस दे रखे हैं, और ऐसी सारी चीज़ों में क्वेश्चन दे रखे, एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ दे रखा है, आपके सामने दिख रहा है एक्सप्लेनेशन, थ्योरी फॉर पार्ट है तो थ्योरी पार्ट को ऐसे कर बता रखा है, एक लाइंस में है दो दो लाइंस में, या डिटेलिंग भी दे रखी है, तो डिटेलिंग जो दे रखी है वो काफ़ी अच्छी है, उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें भी कवर है। जस्ट लाइक आपको अगर कुछ प्रोसेस है तो आपको एक प्रोसेस के साथ साथ तीन प्रोसेस और समझाई गई, अगर भले ही उसका आंसर सिर्फ एक प्रोसेस है बट उसका तीन प्रोसेस अलग अलग उससे रिलेटेड जो होती हैं वो भी समझाई जाती हैं। जैसे C2S का काम क्या है, तो C3S वो ऑप्शन में C2S आंसर है, तो आपका C3S और C3S सब चीज़ें समझाई जाती हैं। तो इस टाइप के थ्योरी एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छा दे रखा है, जितना दे रखा है वो काफ़ी अच्छा है। ओके, तो जो मिस्टेक्स मैंने क्वेश्चन की बताई है वो आपको मिल सकती है, कुछ कुछ आंसर की इसमें मिस्टेक है बट मेड ईजी आपकी मिस्टेक्स कवर कर देता है आपकी अपडेटेड वर्जन में, ठीक है। तो फिलहाल ये RPSC 2018 है, इस बार तो आपको यही मिलेगा, तो इसमें जो मिस्टेक्स है वो अगली बार अपडेट होंगी, फिलहाल तो रहेंगी। हर बुक में मिस्टेक है यार, सारी बुक में आपको बता चुका हूँ, रिव्यू कर चुका हूँ, हर बुक में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होती हैं, तो ये चीज़ बदलनी चाहिए, क्योंकि मिस्टेक बहुत दिक्कत वाला काम है, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए यार, बट हर बुक में आपको मिलेगी, क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो अब सर्वेइंग देखें, सर्वेइंग में आपको एक्सप्लेनेशन दिख रहा है न्यूमेरिकल्स का, जो आपका क्वेश्चन रहे तो न्यूमेरिकल्स भी छोटे मोटे जो होते हैं आए इसमें पूछे गए हैं, AE के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछे गए हैं JE के अकॉर्डिंग, तो उसको न्यूमेरिकल्स या डेरिवेशंस को छोटा मोटा तरीके से सॉल्व भी कर रखा है, यानी कि न्यूमेरिकल भी मिलेंगे आपको सॉल्यूशन में, एक्सप्लेनेशन में, साथ ही में थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन भी है। जियोटेक आपके सामने, तो जियोटेक के न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जियोटेक तो उसके लिए देखिए न्यूमेरिकल सॉल्व कर रखा है, फॉर्मूला लगा रखा है, कैलकुलेशन कर रखा है। तो प्राइस, इसके प्राइस सेगमेंट की बात करें तो ये इसके मार्केट में प्राइस है 500 से 550 रुपये, जो ऑनलाइन आपको मिलेगी, और अगर आप मेड इजी से खरीदते हैं तो उसकी अलग प्राइस है, और आप अगर कहीं बुक स्टोर से खरीदते हैं मेड इजी की, जैसे दिल्ली में अगर आप रहते हैं या कहीं बुक स्टोर हो तो वहाँ पर उसको आपको और सस्ते में मिल सकती है। अगर आप ऑनलाइन इसे खरीदना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ, वहाँ से आप इसे खरीद लीजिएगा। एंड दूसरी चीज़ ये बताता हूँ, अब आपको ओवरऑल समअप कर देता हूँ, बाइंड अप करता हूँ सारी चीज़ें, समअप करे जाए तो हमें 5 पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगा। पहला ये पॉइंट है कि इसमें एडवांस क्वेश्चंस हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बता चुका हूँ, क्वेश्चंस में मिस्टेक्स C3S और C2S जो बताया मैंने आपको, वो तो छोटी मोटी प्रॉब्लम है, वो इतना बड़ा इशू नहीं है। आप अगर ये, क्योंकि क्वेश्चन बैंक है, थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए आप कई बुक को प्रेफर कर रहे हैं तो आप समझ जाएंगे कि आपका वो क्वेश्चंस किसके लिए है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन वाली प्रॉब्लम आपकी सही हो जाएगी। थोड़ा बहुत एरर है जो मेड इजी अपडेट कर देगा अगली बार, बट फिलहाल नहीं है अपडेटेड। अगली चीज, आपका JE और AE के क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे, एडवांस लेवल के जो आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे, या फिर अभी अभी आपने कभी किसी एग्जाम्स में भी देखे होंगे, क्योंकि एडवांस क्वेश्चन इसमें AE के अकॉर्डिंगली इसको बनाया गया है। ओके, एंड आंसर की बात करी तो मैंने एक्सप्लेनेशन आपको बता दिया, 80% क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन दे रखा है, 20% जो उनको लगता है नहीं है ज़रूरी देना तो उन्होंने नहीं दिया है, ठीक है। और न्यूमेरिकल की बात करूँ तो न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर रखा है उन्होंने, डिराइव वाली बात है तो थोड़ा बहुत डेरिवेशन भी दे रखा है डायग्राम के थ्रू, सिस्टमेटिकली अच्छे से सॉल्व करके इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है, और एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छा इस बुक के अंदर है। कंटेंट्स हमने देखा, सिलेबस की हमने बात करी, तो उसमें सिलेबस में आपको जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं वो इसमें आपको देखने को नहीं मिलेंगे,
थ्योरी पोर्शन की बात रही तो थ्योरी पोर्शन इसमें एक्स्ट्रा आगे नहीं दिया है, सिर्फ क्वेश्चंस आपको अवेलेबल कराए हैं 3500। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ और आपको इंटरनल रिव्यू भी दिखा चुका हूँ। तो यही चीजें हैं इस बुक को लेकर, और फटाफट हम एक दो बुक्स और बची है उसका हम रिव्यूज देख लेते हैं। एक साथ सारे रिव्यूज डालने वाला हूँ मैं, क्योंकि ज्यादा टाइम अब नहीं है, टाइम नहीं था इसलिए हम टाइम टाइम पे नहीं डाल पाए, एक साथ अब डाल देता हूँ। फिर हम जल्दी से जल्दी बुक्स का इश्यू सारे सॉल्व करेंगे। काफी ज्यादा बच्चों के क्वेरीज आती है बुक्स को लेकर, इसलिए सब रिव्यूज मैंने प्रोवाइड किया है। एंड सजेशन जो रहेगा हमारा, रिकमेंडेशन रहेगा, वो भी बहुत जल्दी वीडियो आने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट रिव्यू के साथ मैं फिर मिलता हूँ, जब तक के लिए चलता हूँ, विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।